गुड मॉर्निंग बेटा, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9 कंपटीशन आरडी शर्मा एक्सरसाइज नंबर 21.1 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। फोकस रीड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का। दैट इज हम सभी को पता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, हमको आर गिवन है 10.5। नेक्स्ट हमको आर गिवन है दैट इज 5.6। थर्ड हमको आर गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर। आपको सर बेटा फॉर्मूला करना है, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105/10। आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम वे 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज 56/10। आप सोल्व करोगे आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 14 × 14, सोल्व करो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ स्टार्ट सॉल्विंग एंड टेल मी द आंसर्स फास्ट। सभी बच्चे सोल्व करेंगे एंड टेल मी द आंसर्स। वेरी गुड, आंसर स्टार्ट कमिंग। डोंट लुक एट द बैक प्लीज, चीटिंग मत करना। अगर नीचे वाला 10 कंप्लीट करता नहीं है तो उसको काटो मत, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे 10 की हेल्प से। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में 10 को मत काटना। वेरी गुड, द फर्स्ट आंसर इज 1386। वेरी गुड, द फर्स्ट आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड कंटिन्यू। वेरी गुड कंटिन्यू। सभी कर सकते हैं। वेरी गुड, कंटिन्यू। वेरी गुड, सभी कर सकते हैं। वेरी गुड, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फास्ट। सेकेंड आंसर, वेरी गुड, सेकेंड इज 394.24। वेरी गुड, सेकेंड इज 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, टेल मी थर्ड। थर्ड का आंसर इजी है, डू कटिंग फास्ट। थर्ड का आंसर, वेरी गुड विभू विराट, वेरी गुड। थर्ड का आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को, गॉट इट ऑल। फोकस क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंस क्या है, ध्यान दो सभी। फर्स्ट पार्ट हमको डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर से रेडियस 7 सेंटीमीटर, वी विल पुट 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। सेकंड पार्ट फोकस, डायमीटर हाउ मच, 21 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 21/2, डोंट डिवाइड, जस्ट पुट 4 पाई आर स्क्वायर 21/2। क्लियर है। फोकस थर्ड पार्ट, दैट इज डायमीटर इज 3.5, वी कैन राइट 35/10, गॉट इट, वी कैन राइट 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहां से रेडियस नीचे एक दो और आ जाएगा, 2 × 2 = 4 पुट करेंगे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 7/4 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो
आंसर बताओ सारे, दो मल्टीप्लाई वन, क्या कंसेप्ट क्लियर है सभी को? कंसेप्ट सभी को कंसेप्ट क्लियर है? करना कैसे है? डायमीटर का हाफ रेडियस और पुट कर देना है। वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर फटाफट सभी का नजर आए, सभी का एक एक बच्चे का। वेरी गुड, 616 फर्स्ट का आंसर। वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर 616। ओके वेरी गुड, सेकेंड आराम से दो पर आंसर दो, आंसर आना चाहिए, चार का कुछ आंसर आता है, फायदा फायदा क्या? हाँ जी वेरी गुड, डोंट लुक एट द बैक, डोंट लुक एट द आंसर्स। वेरी गुड, सेकंड का आंसर 1386। वेरी गुड, कंटिन्यू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, थर्ड, थर्ड का आंसर 38.5। ओके वेरी गुड, थर्ड आंसर आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? गॉट इट ऑल? क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो एमोस्फियर एंड अ सॉलिड एमोस्फियर। जहां तो बेटा क्वेश्चन थर्ड में हमारा दो डायग्राम है, पहला डायग्राम ये वाला, दूसरा डायग्राम ये वाला, दोनों के अंदर आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और पाई यूज करना है 3.14। ये क्वेश्चन हमारा, ध्यान दो सभी, दिस इज होलो एंड दिस इज सॉलिड, हमको निकालना दोनों में टीएसए है, तो डिफरेंस क्या है? ध्यान दो सभी, आप सभी को बताएं, अगर ये होलो होगा तो ऊपर से ये खुला हुआ है, अगर खुला हुआ होगा तो जो टीएसए होगा वही क्या होगा? सीएसए, क्योंकि हमें सिर्फ गोल वाला ऐसा लेना है। क्लियर है बात सभी को? क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है तो हमको सिर्फ गोल वाला ऐसा लेना है, और गोल वाले को क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। बताओ सभी क्लियर है? गॉट इट? क्योंकि हमारा डायग्राम ऊपर से खुला हुआ है तो हमको सिर्फ लेना है गोल वाला हिस्सा, और गोल वाले को बोलते हैं सीएसए। क्लियर है? हाँ जी क्लियर सभी को? Now focus the next question, that is solid. अगर solid होगा तो solid में हम हाथ यहाँ भी लगा सकते हैं गोल वाले हिस्से में, और हम हाथ ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर से बंद है, solid है। तो मेरा आंसर आएगा total surface area, that is 3πr², इसका आंसर आएगा 2πr². So we will have two answers, 2πr² and the second answer will be 3πr². क्लियर सभी को? हाँ जी गुड ऑल। होलो के अंदर 2πr² और सॉलिड के अंदर 3πr². क्लियर है? हाँ जी क्लियर गुड ऑल। कंसेप्ट बिल्कुल इजी है अगर थोड़ा सा सोचोगे तो, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा। क्लियर है? गुड इट, वेरी गुड। मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आंसर आएगा? मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, फर्स्ट का आंसर 6 to 8। वेरी गुड, सेकंड का आंसर, सेकंड, वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर 6 to 8, एक्सेलेंट। सेकंड बताओ, सेकंड का आंसर 9-4-2, मैच हो रहा है। वेरी गुड, सेकंड आंसर 9-4-2। स्मार्ट वर्क क्या करो बेटा? स्मार्ट वर्क, 200 है, 210 है, 100 हो गया, डेसिमल गैप हो जाएगा, 14 3 42, 3 और उसके बाद 3 3 9, ठीक है। ओके नाउ रीड क्वेश्चन 4, हम बेटा फोकस क्वेश्चन नंबर 4, हमको गिवन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4πr² 5544, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 5544, आर स्क्वायर की वैल्यू 5544, नीचे 7 ऊपर जाएगा
इन द सेम वे ऊपर 4 ऊपर 22 काटो पीटो मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है फटाफट आर स्क्वायर की वैल्यू हाउ मच 2 कटे जो आंसर आएगा वो किसी का स्क्वायर आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर है चेक करो सभी वेरी गुड आंसर स्टार्ट कमिंग वेरी गुड डिवाइड करो सभी कोई बात नहीं 2 मिनट लेट करो पर डिवाइड करो सभी आई एम वेटिंग वेरी गुड स्टार्ट डूइंग स्टार्ट वेरी गुड सभी कर सकते हैं सभी वेरी गुड कीप डूइंग वेरी गुड द आंसर इज 441 बेटा ध्यान से करो प्लीज ध्यान से करो काटने के बाद आएगा 441 डू कटिंग प्रॉपरली अगेन चेक 441 आएगा 441 चेक करो सभी डू कटिंग प्रॉपरली काटने के बाद आएगा 441 एंड इट इज स्क्वायर ऑफ 21 स्क्वायर से स्क्वायर कट आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर हमसे पूछा डायमीटर दैट विल बी डबल दैट मींस दिस विल बी 42 सेंटीमीटर बताओ सभी क्लियर है सभी वेरी गुड रीड क्वेश्चन 5 बेटा को क्या गिवन है देयर इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल हमारे पास एक बाउल है इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर हमने बना दिया हमको क्या गिवन है डायमीटर इज व्हाट इसका इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर अगर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10.5/2 वी कैन राइट 105/20 वी विल गेट बाय 5 21/4 सेंटीमीटर क्लियर है ध्यान दो सभी फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट द इनसाइड हमको अंदर की तरफ क्या करनी है टिन प्लेटिंग दैट मींस वी नीड टू फाइंड CSA CSA कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 22/7 आर की वैल्यू 21/4 आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बताओ सभी फटाफट क्या आंसर आ रहा है टेल मी डू कैलकुलेशन डू कैलकुलेशन फर्स्ट वेरी गुड सभी कर सकते हैं कैलकुलेशन सभी करें वेरी गुड डू कैलकुलेशन बेटा वेरी गुड डू कैलकुलेशन हेलो हाँ बेटा सभी ध्यान दो हमको क्या गिवन है कॉस्ट सभी ध्यान दो कॉस्ट क्या गिवन है हमको दैट इज रुपीस हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट रुपीस 4/100 हमको कितना निकालना है 173.25 उसकी कॉस्ट रुपीस 4/100 मल्टीप्लाई बाय 173.25 मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ रुपीस में टेल मी टू मल्टीप्लाई 173.25 हाँ जी बेटा वेरी गुड 173.25 मल्टीप्लाई 4 हाउ मच हाँ जी सभी करें बेटा वेरी गुड डिवाइड करो 100 से आंसर को जो आंसर आ रहा है उसको 100 से डिवाइड करो क्या आंसर आएगा
Very good. Answer will be 6.93. Answer will be 6.93. Clear है? Got it? हाँ जी, clear सभी को? Got it all? Okay, very good. Now read question 6. Focus question 6. Hint दे रहा हूँ सभी को. Question पढ़ो सभी. क्या given है? Dome of a building. आपको पहले पढ़ा चुका हूँ. Dome of a मतलब होता है जहाँ पे मंदिर का घंटा लगा होता है. मान लो कि घंटी लगी हुई है, तो यहाँ से खोखला है, यहाँ से खुला हुआ है. हमको क्या करना है? इसका given है radius. That is 63 dm. अगर आपको ध्यान हो, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर सभी में रिलेशन होता है 10 का. क्लियर है? हम क्या करते हैं, डेसीमीटर से बनाएंगे मीटर. वी विल डिवाइड बाय 10 एंड दिस इज व्हाट आवर मीटर. क्लियर है? अब फोकस, हमको क्या करना है, इसके अंदर वाले हिस्से पे हमको पेंट करना है. पेंट का मतलब है हमको निकालना है CSA. CSA कितना हो जाएगा? 2πr² क्लियर है? दिस इज 2πr² ये आ गया सरफेस एरिया. हमको करना है पेंट. हमको रेट क्या गिवन है? ₹2 per m². हमारा आंसर आया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारा आर मीटर में था. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. क्लियर है? बताओ सभी, क्वेश्चन 6 क्लियर? सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. सर ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट ट्राई करना, वीडियो देखना, खुद कर पाओगे. वेरी गुड. क्वेश्चन 7 रीड. क्वेश्चन 7 टाइम को मैं जल्दी दे लो. क्वेश्चन 7 हमको गिवन है अर्थ. अर्थ दे रखा है हमको किसके फॉर्म में है? स्फीयर. इसका रेडियस गिवन है हमको 6370 किलोमीटर. क्लियर है? हमें ये बोला गया है इसका 3/4 जो एरिया है वो भरा हुआ है पानी से. इसका मतलब है 1/4 किससे कवर है? लैंड से. तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 4πr² 6370. यहां से जो आंसर आएगा किलोमीटर स्क्वायर में. दिस इज द कंप्लीट एरिया. हमें एरिया निकालना है लैंड का, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4. बताओ सभी क्लियर है? हाँ जी क्लियर सभी को? मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना है. 4πr² निकालना. 4πr² निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना 1/4 से, आपको आंसर मिल जाएगा. क्लियर है? सौरभ बेटा, विराट बेटा, अटेंडेंस कर लो बेटा एक बार, जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, टेक द अटेंडेंस. फोकस क्वेश्चन नंबर 8. फोकस क्वेश्चन 8. हमको क्या करना है, हमको गिवन है एक सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड रेडियस इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर. हमारे पास एक हेमिस्फीयर था, उसके ऊपर हमने एक सिलेंडर को डाल दिया. खास बात क्या है, जो इसका रेडियस है वही उसकी हाइट है. दैट मींस R=H. ध्यान दो सभी, हमको क्या गिवन है कि जो कंप्लीट हाइट है दिस इज 7 सेंटीमीटर. तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, 7 का आधा 7/2. दिस इज ऑल्सो 7/2. हमको निकालना है इसका कवर्ड सरफेस एरिया. सिलेंडर का 2πRH, हेमिस्फीयर का 2πr². आपको क्या करना है, R की जगह भी 7/2, एच की जगह भी 7/2 पुट कर देना है और अपना आंसर निकाल लेना है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? क्वेश्चन 8 क्लियर है? हाँ जी. R=H गिवन है, कंप्लीट हाइट गिवन है 7. हमको ब्रेक करना है 7/2 7/2. ठीक है, सरफेस एरिया 2πRH, सिलेंडर का
सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² पुट कर देना है, r की जगह भी 7/2, h की जगह भी 7/2। किसी का मैसेज आता रिपीट कर दो, मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 9, फोकस क्वेश्चन नंबर 9, मैं नहीं करा रहा, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में कराया था, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में करा चुका हूँ, ठीक है। फोकस क्वेश्चन नंबर 10, फोकस क्वेश्चन नंबर 10, वेदिका जी थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, आरडी शर्मा है, एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए बेटा, फास्ट करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 फोकस, मैं सिर्फ कंसेप्ट बनवा रहा हूँ, कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है। फोकस, हमको गिवन है दोबारा से डोम गुबन, हमको क्या गिवन है, हमको इसके अंदर वाले हिस्से पे पेंट करना है, ध्यान दो सभी, हमको इसके अंदर वाले हिस्से पे पेंट करना है। दैट मीन्स वी नीड सी एस ए, दैट इज 2πr², लेकिन क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है, हमको गिवन है इसका सर्कमफेरेंस कितना है, होता है 2πr, हमको गिवन है 17.6, 2 × 22 = 7 × r 17.6, ठीक है। 7 ऊपर 222 नीचे, r की वैल्यू निकाल लेना, r की वैल्यू को यहां पुट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया, क्लियर है। नेक्स्ट हमको गिवन है कोस्ट, आपको मैंने यहाँ पे भी करवाया था, ध्यान दो, 100 cm की स्क्वायर की कोस्ट 5 रुपए, 1 cm² की कोस्ट 5/100, यहाँ पे जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, गॉट इट, आई पास समझ में। लेकिन हमने गलती कर दी, मैंने ये चीज यहाँ पे सेंटीमीटर में ले ली, ये चीज मीटर में है, तो हमारा जो रेडियस आएगा वो आएगा मीटर में, ठीक है, आर आएगा मीटर में, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ताकि वो किस में बदल जाए, सेंटीमीटर में, और फिर यहां पे पुट करना, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। सो इन दिस वे वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1, ठीक है, वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1, क्लियर है।